इंदौर शहर चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में एक मामला तुकुगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां देर रात चाकूबाजी की घटना हुई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए। बता दें कि जिन दो लोगों पर चाकू से हमला हुआ है, उनमें से एक निगम में सफाई कर्मचारी है और देर रात वह अपना काम खत्म कर घर जा रहा था। उसी समय कॉलोनी में ही रहने वाले कुछ लोगों ने उसे रोका और विवाद शुरू कर दिया। इसके साथ ही चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम उसका बंसी था, भैया को हमने चाकू बोला, वो गले में गजेज करके नींद ना मारा, न्यू कराची अजय कॉलोनी, क्या था दुकान के पीछे।